सो ये गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के व्लॉग में ना एक हो गई है दिक्कत। दिक्कत पता है क्या कि ऑडियो वापस से ख़राब। जो हम लोग होटल पहुँचे उसके बाद का पूरा ऑडियो ख़राब हो गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, माइक ख़राब था या पता नहीं क्या हुआ या पानी चला गया है, आई डोंट नो। हाँ, पर उठते ही साथ व्यू देखो कितना बढ़िया है। कल जैसा था शाम को जब आए थे हम लोग 12:30 बजे दोपहर का, तब से देखिए अब तक वैसा का वैसा ही है। तो अभी लगी है भूख, चलते हैं नाश्ता करने नीचे और दिखाते हैं नाश्ते में क्या है। राइट, तो सी यू गाइस एट द ब्रेकफास्ट। आखिरी बार ये रूम को देख लो, देखो राइट। और जो रूम के बाहर का नज़ारा है अब, क्योंकि नहीं आने वाले सापुतारा काफ़ी लंबे टाइम तक, देखेंगे फिर कैसे प्लान होता है क्या है। तो आई एम ऑल रेडी विथ माई राइडिंग गियर्स एंड ऑल। नीचे जाते इसको माउंट करते हैं और फिर फोटोग्राफी है तो फोटो वोटो खिंचवा के मिलते हैं आपको। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाओ, ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें अपलोड हो चुकी होगी अब तक, तो जब तक ये वीडियो आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप सीधा नीचे आपको। बहुत सुंदर लग रहा होगा वेदर, पर मेरे लिए जो सुंदर है ना वेदर वो पता है क्या है, ये देखो ये चीज, बाइक्स एंड बाइक्स एंड बाइक्स। ऐसी और राइड्स करना चाहते हैं, मजा आएगी, क्या बोलते हो? आपको पसंद आया कि नहीं आया व्लॉग, कल वाला आज वाला बताना, कमेंट्स करना थोड़ा बहुत जो भी आपको अच्छा लगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। वार्म अप होने देते हैं। सो ऑल आर गियर्ड अप एंड रेडी टू रोल। बाय मैम, बाय, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। यस, टू मच। चलो बाय। लोग आते जाओ तो बता, बाइक वाला जाते हैं। हाँ बस साहब निकलिए, चलो धीरे धीरे बता। हमारे यहाँ तो डे बाइक वाला है। बराबर, सो गाइज वी आर ऑल रेडी। अभी ग्लव्स नहीं पहने, थोड़ी देर बाद पहनेंगे फ्यूल अप करने के बाद। सो ऑल आर रेडी, बाइकर्स रेडी टू लीव। और फ्यूल अप करने के बाद मिलते हैं आपसे, वापस से बात करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो लेट्स लीव गाइस। चलो मिलते हैं। वेदर क्या ही ऑसम हो रखा है। हाँ, फ्यूल अप आई थिंक दिस वे, लेट्स चेक।
ये रहा पेट्रोल पंप आ गया है बाबा। सो गाइस आखिरी बार देख लो, वैसे आखिरी बार क्या, आप तो वापस से देख सकते हो, री वीडियो देख सकते हो राइट, पर हम लोग ये आखिरी बार देख रहे हैं इस सीज़न का। अब सापुतारा नहीं आएंगे, अब सीधा नेक्स्ट सीज़न में मिलेंगे मानसून की। बहुत मज़ा आई यार ये ग्रुप के साथ जो राइड करने में राइट, रात को पार्टी में डीजे नाइट, अरे एवरीथिंग वाज अरेंज सो नाइसली ना, ये कोई दिक्कत ही नहीं हुई सारा भी। हाँ ऑल थैंक्स टू विशाल भाई, लतिका भाभी एंड अजीत भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हर एक चीज़, मज़ा आ गई। ऐसी और राइड्स करते रहेंगे ग्रुप के साथ राइट, और आपको दिखाते जाएंगे, पर उसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सो लेट्स लीव फ्रॉम योर, ए यार ये टेम्पो बीच में आ गया, चलो 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 फटाफट बाबा। व्हाट एन अमेजिंग रोड गाइस, क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारे है। Oh man, सो गाइस ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन थी, मैंने सोचा चलो यहाँ बीच में रुक के एक बढ़िया सी फ़ोटो ली जाए, पर पुलिस वाले ने मना कर दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, इसलिए घुमा के वापस जा रहे अपने रोड की तरफ। चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं गाइस, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही साली, जब से सापुतारा से निकले तब से बारिश हो रही है और मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हमने रेनकोट नहीं पहना है, हम बहुत नवाब है, हम नहीं पहनते फिर बीमार होना है और क्या ही कर सकते हैं। लंबे टाइम बाद हमें धूप मिली है और इतना बढ़िया रास्ता कि जहाँ मैं आराम से 75, 70, 80 चला सकता हूँ। बाकी अभी तो पीछे में पागल हो गया था भाई, 40-40 पे चलानी पड़ रही थी क्योंकि आगे पीछे ट्रक बस और गाड़ियाँ और ऊपर से व्हाइट रोड्स और रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा ओवरटेक भी नहीं कर सकते थे, इसलिए चला रहे थे धीरे धीरे पीछे। अब जैसे थोड़ी अच्छी रोड मिली है तो थोड़े उसके भी मज़े लेंगे हम। क्या बोलती है बबलू, एक अभी तक मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? और आ रहा है तो प्लीज़ तू लाइक शेयर बराबर कि नहीं, अभी तक नहीं किया तो कर लो। सो गाइस वी जस्ट क्रॉस वास्ता और सुबह पेट्रोल नहीं भरवाया था क्योंकि बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे और बहुत सारे लोग समझो कि लाइन में लगे थे, वो भी सारे सुपर बाइकर्स, तो यहाँ भरवा लेते हैं। अब रेंज है 79 फ्यूल अप तो हो गया गाइस और वापस से मौसम पूरा का पूरा बदल गया है, बारिश आने वाली लगती है। मैन बारिश बंद हो जाए यार, चालू लो नाम लिया और चालू, काफी फास्ट है भाई, क्या करूं, रेनकोट पहन लो कहीं पे रोक के, ये एक्सट्रीम है एक्सट्रीम। ए यार 2 मिनट पहले चल रही थी तो मैं पहन ही लेता वहाँ पे, मुझे लगा था कि अभी चालू होगी पर पहले ही चालू हो गई। चलो यहाँ पे शेड है अपने पास, पेड़ पेड़ के नीचे खड़े रह के पहन लेंगे। फाइनली वी आर ऑन हाईवे राइट नाउ और यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट है, क्या ही बात है। तो चिट्ठी हमने क्रॉस कर लिया है, हम लोग हाईवे पे आ गए, तो मोस्टली 1 hour to home, ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब। इट्स 1:45, 1:47 तो 2:47 तक तो पहुँच जाएंगे।
आराम से 3 बजे तक घर पे। अगर कुछ ब्रेक लेने का मन हुआ तो अगर लेट हो सकता है, पर आई डोंट थिंक अब मैं शायद से ब्रेक लूँ। कारण मुझे कुछ खाना तो मुझे भूख लगी है यार, अभी सोच रहा हूँ या तो घर जाके खाऊँ या तो फिर कुछ एक वड़ा वड़ा या ऐसा कुछ भी खा लेता हूँ, भूख लगी क्योंकि सुबह का खाया हुआ 10 बजे का और अभी बजे 2। मैं जनरली ये टाइम बहुत है खाने का, तो यस मुझे भूख लग गई है, देखते कुछ अच्छा मिलता है तो मैं खाऊंगा नहीं तो फिर व्हाट नोस सीधा करते। हाँ सो गाइस, एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे अभी 5 मिनट का फॉर वाटर एंड ऑल, क्योंकि सब जब से निकला हूँ सापुतारा से एक भी ब्रेक नहीं लिया था मैंने फॉर वाटर, और बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और फिर डिसाइड किया घर जाके ही खाएंगे। बाइक की कंडीशन देख रहे हो, इसकी लग गई है, घर पे जाके इस बार अगर वॉश नहीं करवाया ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जाएगा, चेन भी लूप करवानी पड़ेगी। फकिंग शिट मैन, आगे से भी देख लो। ओहो सुपर बाइकर्स, निकलते हैं यहाँ से गाइस, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा मिलेंगे घर मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ भी हुआ दिखाना है तो दिखा देंगे आपको। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड होम, और कुछ ऐसी हालत है अपने बाइक की, नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही, बोलो इतनी गंदी हो गई यार, इतना गंदा मैंने कभी नहीं देखा मेरी गाड़ी को, देखो पानी कहाँ कहाँ से उठ रहे थे, कितनी गंदी, इसको इमीडिएट वॉश करवाना पड़ेगा आज या कल में। एक तो ये सब लेके जाना ना बहुत भारी काम है। सी यू गाइस एट अपस्टेयर्स, ना धो के मिलता हूँ। सो बबलिक घर पहुँच गए, नहा धो के कंप्लीट हो गया, बहुत टाइम हो गया मुझे आते हुए यहाँ पे, राइट। अपना खाना भी आ गया है, जैसे ही आया ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी, तो नहा धो के जैसे कंप्लीट हुआ तो खाना भी आ गया, खाएंगे अब रेस्ट करेंगे। और आज की जो राइड थी ना सुपर, मतलब सुपर मज़े आ गए, क्योंकि पूरे टाइम बारिश 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 थी, उसके बाद ना कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला कि भाई कुछ इजी जाए, नहीं बारिश आनी है, धूल मिट्टी सब, मतलब बाइक की हालत तो आपने ऑलरेडी देख ली है। और जो आज की जो मेन टॉपिक था ना वीडियो का, वो ये गेट टुगेदर था राइट, और मुझे जो मज़े आए ना इस गेट टुगेदर में, क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। मैं तो विश करता हूँ ऐसे और भी आगे होते रहे, राइज करते रहे, फिर गेट टुगेदर भी होती रहे जिसमें मुझे इन सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। इस बार भी मैं बहुत लोगों के नए नए लोगों से जुड़ा हूँ और बहुत सारी बातें हुई है, मज़े आए हैं, पार्टी की है, हर एक चीज़, डीजे वीजे नाचे वाचे सब बढ़िया मज़ा आ गई। एंड ऑल थैंक्स टू जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया, जितने भी लोग, ये पूरी टीम जो है उन सबको ग्रेट थैंक्स फ्रॉम माय साइड कि आपने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आई। आगे और ऐसे करते रहो इवेंट्स तो हमें भी वो उसका पार्ट होने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो के बारे में या ये ट्रिप के बारे में तो आप कॉमेंट कीजिए यार, अगर कुछ पूछना भी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो या DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, राइट। ऐसी और राइड्स होती रहेगी, हम आपको और वीडियोस दिखाते जाएंगे, तो उसके लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय गाइस, आई होप यू हैव अ फन।